हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दानिश कनेरिया एक्सपोज्ड पाकिस्तान क्रिकेट ओवर कन्वर्जन। पाक वर्सेस अफगानिस्तान वर्ल्ड कप 2023, पाक रिएक्ट्स। अच्छा, यही तो मैं बता रही थी कि दानिश के साथ ही तो था, जब दानिश ने बताया था कि जब ये क्रिकेट में था कैसे उसके साथ पूरा क्रिकेट टीम जो थी पीछे पड़ी रहती थी और उसको हर टाइम कोशिश ये करती थी ये कन्वर्ट हो जाए। और इसको इवन खाना खुने के टाइम जो होता था उनका यही होता था कि साथ में नहीं ये बैठ के खाए, जहां हमारा खाना इसका अलग से हो। मतलब ऐसी ऐसी बातें सुनी हुई है कि देख सुन के हैरान तो होते ही, गुस्सा भी आता है। जो भी होगा उसे एक क्वेश्चन आएगा कि जब पार्टीशन हुआ था और पाकिस्तान ने डिसाइड किया था कि वो एक इस्लामिक स्टेट बनेंगे, तो उस वक्त जो है क्यों लोग जो है वहाँ से मूव करके नहीं आए थे, कई हिंदूज जो अभी भी हैं, हिंदूज जो है वहाँ से मूव करके इंडिया में क्यों नहीं आए थे, जब उन्होंने क्लियर कर दिया था कि उनका जो है कंट्री इज गोइंग टू बी इस्लामिक कंट्री। या उन्होंने ये शो किया होगा कि हम होंगे इस्लामिक, पर अगर आपको रुकना है तो स्टार्टिंग से कहा था कि हम इस्लामिक। बताओ भैया, मुझे तो नहीं पता। हमारे पार्टीशन तो इसीलिए हुआ था कि उनको अलग लैंड चाहिए थी। बिल्कुल, उनका तो वो देख ही रहे हो कि क्या बुरे हाल किए हुए उन्होंने, और ये बात करते हैं दूसरे देशों में। हमारे एंसेस्टर इधर आ गए थे, उनको वैसा करना चाहिए था। चलो देखते हैं, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोस उन चैनल्स में भी आ रहे हैं। क्योंकि आप एक हिंदू धर्म को मानने वाले खिलाड़ी थे, इसलिए आपका जो करियर था वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में बहुत ही छोटा रहा। आप कुल मिलाकर 61 टेस्ट मैच खेल पाए। अगर आप हिंदू ना होते तो शायद 161 मैच खेल पाते। देखिए, पहले बात तो मेरे लिए मेरा धर्म सनातन धर्म मेरे लिए सबसे बढ़कर है, उससे ऊपर मेरे लिए कुछ भी नहीं। मेरी जिंदगी का जो राम भगवान का जो चरित्र है, राम भगवान ने जिस जीवन हमें यही सिखाया है कि सनातन धर्म और सनातन धर्म के लिए हमेशा आवाज उठाओ। एक कहावत आपने सुनी होगी, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। ये कहावत फिट होती है दानिश कनेरिया पे। और आप कह रहे हैं कि आपका मुल्क जो है आपसे गद्दारी कर रहा है। गद्दार तो आप है, ट्रेटर तो आप है। जिसने पाकिस्तान की शर्ट पहनी उसने पाकिस्तान के स्टार को बेचने की कोशिश की, और वो पाकिस्तान के खिलाफ रोज स्टेटमेंट देते हैं, पाकिस्तान की टीम को पैथेटिक कहते हैं, पाकिस्तान कोर्ट में डिस्क्रिमिनेशन के आप इल्जाम एलिगेशन लगाते हैं। आप क्या करते हैं, झूठे इल्जाम लगाते थे। बाकी लोगों ने मुझे बहुत सताया, बहुत मेरे साथ खाना नहीं खाते थे, कन्वर्जन की बात करते थे, कन्वर्जन। लेकिन मेरा धर्म मेरे लिए आप ये कह रहे हैं कि उस समय जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो बड़े खिलाड़ी थे वो आपसे ये कहते थे कि आप इस्लाम कबूल कर लीजिए। बिल्कुल हाँ, शायद अफरीदी उसमें मेन व्यक्ति है वो। आप ग्राउंड में आपका ठीक है, आप नमाज पढ़ो, आप ड्रेसिंग रूम में वहां जाके पढ़ो, और सबके सामने दिखावा क्या है। हमारा भी है, हम लोग भी करते हैं पूजा पाठ करते हैं सारा कुछ करते, ग्राउंड में तो नहीं, हम लोग आरती शुरू करते हैं। दानिश कनेरिया ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तनकीद किया, इस बात का निशाना बनाया कि रिजवान ने वहां फिर नमाज क्यों पढ़ी ग्राउंड में। मैं आपके चैनल से अपील करना चाहता हूँ श्री नरेंद्र मोदी जी से कि प्लीज हेल्प मी आउट, जो मेरे पर ये आरोप लगा रही है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दानिश कनेरिया पाकिस्तान के ऐसे एक हिंदू क्रिकेटर जिनको पाकिस्तान में इतना सताया गया आखिर में उन्होंने जाके क्रिकेट टीम को छोड़ना पड़ा। बोला कि उनको एक ऐसे मतलब फिक्सिंग में फंसाया गया जो उनमें उनका तो दोस्त इतना नहीं था जो उनमें इंटरव्यू में कहा, लेकिन इसके बदौलत उनको जो कन्वर्ट के लिए जो शाहिद अफरीदी और ये वगैरह जो क्रिकेटर थे उनको कन्वर्ट करना चाहते थे, अगर वो कन्वर्ट हो जाते तो आज वो पाकिस्तान क्रिकेटर किसी भी में एक्टिव होते, वो जितना अच्छा क्रिकेट खेल लेते। तो इसीलिए उन्होंने आज तक में सुधीर चौधरी को इंटरव्यू देते हुए उनके पाकिस्तान क्रिकेट की सारी पोल खुली है। इसके बाद बाकियों की भी अलग अलग जगह पे आग लगी है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। मैं आपको वीडियो के अंदर दानिश कनेरिया ने पाकिस्तान के लिए 61 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 261 ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने कनेरिया से आज हम क्यों बात कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि दानिश कनेरिया लगातार आरोप लगा रहे हैं हिंदू खिलाड़ी होने के नाते पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में उनके साथ बहुत भेदभाव किया गया। वो ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू खिलाड़ी होने की वजह से उनके साथ भेदभाव हुआ है, उनके क्रिकेटिंग करियर को छोटा कर दिया गया है, और बार बार उन पर ये दबाव डाला जाता था कि अगर वो इस्लाम धर्म को कबूल कर लेंगे तो फिर वो एक खिलाड़ी के तौर पर लंबे समय तक पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में खेल पाएंगे। और दानिश कनेरिया लगातार ट्वीट करते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं, भारत के प्रति उनका जो नजरिया है वो बहुत पॉजिटिव माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर वो
विश करते हैं, और इसीलिए धीरे धीरे अब ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान में उनके प्रति नफरत बढ़ रही है, क्योंकि आप एक हिंदू धर्म को मानने वाले खिलाड़ी थे, इसलिए आपका जो करियर था वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में बहुत ही छोटा रहा। आप कुल मिलाकर 61 टेस्ट मैच खेल पाए, अगर आप हिंदू ना होते तो शायद 161 मैच खेल पाते। देखिए, पहले बात तो मेरे लिए मेरा धर्म सनातन धर्म मेरे लिए सबसे बढ़कर है, उससे ऊपर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरी जिंदगी का जो राम भगवान का जो चरित्र है, राम भगवान ने जिस जीवन हमें यही सिखाया है कि सनातन धर्म और सनातन धर्म के लिए हमेशा आवाज उठाओ जहां गलत हो रहा है। मैं कुछ गलत बात तो नहीं कर रहा, या मैं अपने से आके कोई बात नहीं कर रहा। जो हो रही है लोगों के साथ परिस्थिति है पाकिस्तान में, जो चीजें चल रही है उस पर मैं बात करूंगा जो गलत हो रहा है, क्योंकि कितने केसेस जो है वो तो रिपोर्ट भी नहीं हुए। जो चीजें हो रही है सामने, दुनिया के सामने, मैं एक सनातनी हूं और मेरा धर्म मुझे सिखाता है कि मैं एक हिंदू भाई और हिंदू कम्युनिटी के लिए आवाज उठाऊं। भगवान ने इतनी मुझे शक्ति दी है अगर, तो मैं उसके लिए आवाज उठाता हूं, और मैं चाहूंगा कि हर व्यक्ति, हर इंडिया का व्यक्ति उस पर आवाज उठाए और इंडिया का मीडिया उस पर आवाज उठाए, क्योंकि जो गलत है वो गलत है। दूसरी बात आपने जो की, देखिए मेरा कैरियर बहुत भगवान की कृपा से अच्छा जा रहा था, आई वाज डूइंग वेल। आपने शुरू में बात की थर्ड, आई एम द फोर्थ हाईएस्ट विकेट टेकर, क्योंकि पहले है वसीम अकरम, वक्ता अली ने, इमरान खान और फिर मैं। तो मेरा कैरियर बड़ा अच्छा जा रहा था, क्या शायद अफरीदी हो गए, बाकी लोगों ने मुझे बहुत सताया, बहुत मेरे साथ खाना नहीं खाते थे, कन्वर्जन की बात करते थे, कन्वर्जन, लेकिन मेरा धर्म मेरे लिए था। आप ये कह रहे हैं कि उस समय जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो बड़े खिलाड़ी थे वो आपसे ये कहते थे कि आप इस्लाम कबूल कर लीजिए। बिल्कुल हाँ, शायद अफ्रीदी उसमें मेन व्यक्ति है, उनास बट, नजम शेट्टी है, लोग आपको मुझे नहीं किया। ऐसी क्या खास बात थी कि आपको सपोर्ट नहीं किया? अरे सपोर्ट इसके लिए नहीं किया ना बस, क्योंकि मैं हिंदू भाई, मैं अगर खेलूंगा तो इनके रिकॉर्ड तोड़ दूंगा ना, आहिस्ता आहिस्ता सबके रिकॉर्ड तोड़ दूंगा मैं, क्योंकि पता था कि मेरी परफॉर्मेंस पे तो ये मुझे नहीं रोक सकते थे ना, ग्राउंड के अंदर मेरे हाथ को नहीं पकड़ सकते। इनको पता है कि जिस तरह की ये बॉलिंग करता है, परफॉर्म करता है, ये तो सबके रिकॉर्ड तोड़ देगा। और आपको पता है कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई हिंदू कोई हॉल ऑफ फेम पर आया, कोई बड़ी ओहदे पे जिसको मौका मिला है, कोई बड़े ओहदे पे आया? इंडिया एक वाइब कंट्री जिसने सबको मौका दिया, सबको। मैं आपको बताता हूँ, भारत वो अखंड भारत है, और भारत के जो जितने निवासी है वो एक दूसरे के साथ एकदम कंबाइंड होकर रहते हैं, ठीक है? जो उनकी जिस तरह से आपको पता है कि एक टूर्नामेंट में एशिया कप में कहीं बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया था शमी को, और उनको तो सबसे पहले विराट कोहली ने आके उनको सबको जवाब दिया कि मेरा टीम मैन है। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि किसी ने मेरे पर आरोप लगाया और मेरी टीममेट ने आके मेरे को सपोर्ट किया, सिवाय शोएब अख्तर ने जो बात की थी उस पर। तो बहुत बड़ा अंतर है भैया सुधीर भाई, बहुत बड़ा अंतर है कि भारत इंडिया की टीम में सबको एक नजरिए से देखा जाता है, इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, सारी क्रिकेट खिलाते हैं। आपने सिर्फ शमी और सिराज की बात नहीं, इरफान पठान, यूसुफ पठान, मोहम्मद अजहरुद्दीन का को पता है वैलिगेशन हुआ था, मोहम्मद अजहरुद्दीन को सब क्लियर हो गया, वो आ गए हैं दोबारा, सबकी एक होती है यार। मतलब पाकिस्तान में तो ये है ना बॉस के, पाकिस्तान की टीम में जो परिस्थिति मैंने देखी और मेरे साथ जो करते थे इन लोग, बार बार टॉन्ट करना, भगवान के बारे में ही कुछ कहना, ये करना, लेकिन मैं हमेशा एक कान से सुनता था दूसरे कान से निकलता था। और आप मतलब ग्राउंड में अपना ठीक है, आप नमाज पढ़ो, आप ड्रेसिंग रूम में वहां जाके पढ़ो, सबके सामने दिखावा क्या है, हमारा भी है, हम लोग भी करते हैं पूजा पाठ करते हैं सारा कुछ करते हैं, ग्राउंड में तो नहीं हम लोग आरती शुरू कर देते हैं कुछ करते हैं, हम तो ऐसा नहीं करते। लेकिन ये पता नहीं क्यों इस तरह से माइंड सेट हो गया कि हर चीज गलत ही करनी है, लोगों को दिखाना है, ये करना है, वो करना है, कि यार मतलब कि यार हम सब पूजा करते हैं, क्या विराट कोहली पूजा नहीं करता, रोहित शर्मा नहीं करता है, क्या शमी नमाज नहीं पढ़ता होगा, सिराज नमाज नहीं पढ़ता, वो तो नहीं ग्राउंड में कभी नमाज पढ़ते हुए नजर आए, तो इन लोगों को ये हरकतें करनी क्यों है? मतलब अराउंड द वर्ल्ड हम इतना वो है, क्रिकेट पर फोकस करें, क्रिकेट के ऊपर वो करें। कोच आता है तो कोच कहता है दिल दिल पाकिस्तान गाना नहीं बजा, जय श्री राम बजा। पहले तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जय श्री राम का मतलब क्या, राम राम भगवान का मतलब, जय श्री राम का मतलब है ग्रीटिंग है भाई, आपको वेलकम कर रहे हैं, अल्लाह अकबर थोड़ी कहती वो कर रहे हैं, कोई अपना याद कर रहे हैं, मतलब जय श्री राम का मतलब ये है, इट इज अ ग्रीटिंग, इट इज अ ग्रीटिंग, और सबको बता रहे कि राम भगवान के जो चले हुए रास्ते उस पर चलो और ग्रीटिंग करें, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान के अंदर लौटना या पाकिस्तान के अंदर रहना आपके लिए, आपके परिवार लौटना मतलब नहीं रहना मुश्किल होगा? आपके ये चैनल पे मैं एक अपील करना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दे तो। जी जरूर, मैं आपके चैनल से अपील करना चाहता हूँ श्री नरेंद्र मोदी जी से कि प्लीज हेल्प मी आउट, जो मेरे पर ये आरोप लगाया, ये आईसीसी का आरोप नहीं है, ये वो नहीं है, ये इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने लगाया, मेरा बैन हटाने में मेरा साथ दे और मेरा बैन हटाया, और इवन कि मैं बीसीसीआई के हेड से और बीसीसीआई से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरा ये बैन हटाने में मेरी हेल्प करें। नहीं, कैरियर तो खत्म कर दिया है, कैरियर तो इन्होंने वाट लगा दी, मेरे कैरियर की सारा कुछ कर दिया, लेकिन एक बिला वजह का कलंक लेके इस दुनिया से नहीं जाना चाहता।
ये देखें दिनेश कनेरिया, ये देखें, आपको शर्मा नहीं चाहिए जो आप स्टेटमेंट पाकिस्तान के खिलाफ दे रहे हैं, अपने मुल्क के खिलाफ, जिसने आपको रोजगार दिया, जिसने आपको क्रिकेट दी, ये देखो ये बंदा कितना गंदा बंदा है, आपने फिक्सिंग की और अब आपकी स्टेटमेंट आ रही है। दिनेश कनेरिया जी ने सारे वही है ना मजहब प्राइम मिनिस्टर और बीसीसीआई से रिक्वेस्ट कर दिया कि मेरा लाइफ टाइम बैन खत्म करें, करते इन्होंने बहुत कोशिशें की है इंडिया की तारीफें कर, वहां से बीजेपी के जो लीडर्स है, जो उनकी पार्टी नरेंद्र मोदी जी की, उनके लीडर्स इनको बोल रहे हैं, इनको अब्यूज कर रहे हैं कि तू इंडिया ना घुसी, तुझे हम कहीं हेल्प नहीं करेंगे। और ये फिर जो क्या बोली जा रहा है, क्यों नहीं करेंगे हेल्प, सच्चे इंसान की करेंगे। बीसीसीआई से नरेंद्र मोदी से कि मेरा केस देखें, मुझे पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिल रहा, बकवास करता झूठ बोलता है, फिर फ्लॉप करा था ना पहले, ये जीतेंगे तो गंदा है, सारे पाकिस्तानी सारे ऐसे ऑल लाइक दिस, तो आप हैं ट्रेटर, तो आप हैं जिसने पाकिस्तान की शर्त पहनी, उसने पाकिस्तान के स्टार को बेचने की कोशिश की और वो पाकिस्तान के खिलाफ रोज स्टेटमेंट देते हैं, पाकिस्तान की टीम को पैथेटिक कहते हैं, पाकिस्तान मुल्क में डिस्क्रिमिनेशन के आप इल्जामात और एलिगेशंस लगाते हैं, पाकिस्तान में डिस्क्रिमिनेशन, आपको इस मुल्क की आपको वो रोटी नहीं पूछेंगे, और आप जो है उनसे जाकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो आपका बैंक खत्म करें। ये देखे दिनेश कनेरिया, आपको पाकिस्तान ने इज्जत दी, पाकिस्तान की वजह से क्रिकेट खेले, इन्होंने पाकिस्तान को इज्जत दिलवाई है, जीत के अच्छा खेल रहे हैं, देख लो तुम्हारी अभी टीम कहां जा रही है, शुड बी प्लेइंग फॉर इंडिया, पहला मांगो इंडिया में आज खेलो, पाकिस्तान में वो पाकिस्तान की वजह से है, शाम में यारी बोलते हुए ये सब, रणजी ट्रॉफी ना खिलाई जाती, आपका शक्ल आपका क्लियर नजर आ रहा है, मांगना चाहिए कह रहा आपका शक्ल सामने नरेंद्र मोदी के सामने बीसीसीआई के सामने, और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरा जो है वो मुझे इंडिया ले जाएं, असाइलम दे दे, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हो, क्या करना क्या चाह रहे हो, जाओ पाकिस्तान से। ये है पाकिस्तानी और ये पाकिस्तान, देखो अच्छे इंसान का क्या बुरा हाल कर रहे हैं, और बोलते हुए मतलब कोई भी नहीं है, ये जो लोग बोल रहे हैं कोई भी नहीं है, छोटे से अपने घर में एक कैमरा लगा के बोलना शुरू कर देते हैं, अपने आपको पता नहीं क्या 30 मार खान की छठी औलादे समझ रहे हैं, और कितना गंदा हेट्रेड से भरा हुआ गंदा बोल रहे हैं, और क्यों, बिकॉज दे आर ऑल रिलीजन माइंडेड, और ये ही सब है, ये पैसों के लिए यही था, पहले फ्लिप हो रहा था एक वीडियो में कि माफी मांगता हूँ इंडियन से, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, ये हर चीज, ये पाकिस्तानी है ही ऐसे, मैं बोल बोल के थक गई सब इंडियन से कि पाकिस्तानी है ही ऐसे, ये पैसों के लिए कुछ भी करेंगे, और दिमाग इनका अपने रिलीजन मुस्लिम 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 से भरा पड़ा है। अब ये देखना है कुछ तो हम देख लें, बंद करो उनको देखना यार, दानिश कनेरिया कहाँ रहते हैं ये पता करना चाहिए। पहले से मुझे लग रहा था कि जो मतलब ऐसे फ्रीली बोल रहा है वो पाकिस्तान में तो रह नहीं सकता, नहीं रह सकता, उन्होंने उनका जीना हराम किया हुआ होगा, वो अपनी फैमिली को कह रहे कि मैं फॉर्चुनेट हूं कि मैंने इतना पैसा बना लिया कि मैं थैंक गॉड कहीं जा कहीं सेफली रह रहा हूं, पता नहीं अब कहां रह रहे हैं बताओ, पर डेफिनेटली इंडिया को हेल्प करनी चाहिए, ही सच अ ग्रेट प्लेयर, बल्कि हेल्प करके उनको यहाँ लाओ और अपनी टीम में खिलाओ, ऐसों को दानिश कनेरिया को लेनी चाहिए, जहां पर भी रहते हैं वहां की सिटीजनशिप ले लेनी चाहिए, और अगर इंडिया कर सकता है इंडिया शुड ऑफर हिम एंड ही शुड कम एंड प्ले फॉर इंडियन टीम, ताकि ऐसे पाकिस्तान के ऐसे पाकिस्तानियों के मुंह पे एक करारा थप्पड़ पड़े, होना चाहिए ऐसा, और फिर ये खेल के पाकिस्तान का ऐसा देख लो, तभी तो ये टीम डूब रही है पाकिस्तान की, जहाँ के लोगों की सोच इतनी गंदी है, जहाँ के टीम इतनी गंदी है, टीम जो है बीच बीच में स्टेडियम में नमाजें पढ़ती है, एक हिंदू को हिंदू उनकी टीम में था उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जस्ट बिकॉज वो एक हिंदू है, उसको बार बार कन्वर्जन के लिए कह रहे हैं, खाना नहीं उसको, उसको इज्जत नहीं, प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं देते, और उसके बाद उसको ऐसा फंसाया कि उसका पूरा करियर ही खराब कर दिया, क्योंकि उनको ये था कि ये तो हमारे रिकॉर्ड्स बीट कर देगा, ये इतना आगे कैसे एक हिंदू बढ़ सकता है पाकिस्तान में, ये है पाकिस्तान, पर लोग जाओ भैया तुम जाओ YouTube में देखो पाकिस्तानियों को, उनकी झूठी वाहवाही देखो पाकिस्तानियों की, कि भैया वो कैसे इंडिया की वाहवाही करते हैं झूठी पैसों के लिए, बट वेरी बहुत दुख होता है देख के इनकी स्टोरी सुन के, तो दानिश की बहुत दुख होता है, बहुत गुस्सा आता है, कुछ करना चाहिए हमारी कंट्री को, तो चलो अभिषेक अन्ना अपने थॉट्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।